चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको आपने शायद नहीं सुना होगा। दोस्तों ये कहानी है मिथुन दा और ऋषि कपूर के बीच में। दोस्तों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ऋषि कपूर पर कार चला दी थी, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून निकलने लग गया था। दोस्तों हुआ क्या था बताएंगे आपको पूरी कहानी, आप बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड के ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कभी नक्सली हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये रास्ता छोड़कर फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया। मिथुन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1976 में आई फिल्म मृगया से की थी। फिल्म तो फ्लॉप रही थी, लेकिन मिथुन दा को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में कुछ ही सालों में बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर बन गए और सुपरस्टार का दर्जा पाने में भी कामयाब रहे थे। वे अपनी फिल्मों और एक्टिंग के अलावा पर्सनल लाइफ से भी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। एक बार तो मिथुन ने एक फिल्म के सेट पर दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर पर कार चला दी थी। इस हादसे में ऋषि कपूर की जान तक जा सकती थी। आइए आपको बताते हैं कि वो किस्सा क्या था और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। दोस्तों ये किस्सा है साल 1978 में आई फिल्म फूल खिले हैं गुलशन के सेट पर। इस फिल्म का डायरेक्शन सिकंदर खन्ना ने किया था और प्रोड्यूसर थे सुरेंद्र कपूर। वहीं फिल्म में ऋषि कपूर, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार और अमजद खान ने भी काम किया था। दोस्तों इस फिल्म का हिस्सा मिथुन चक्रवर्ती भी थे। एक दिन फिल्म के सेट पर डायरेक्टर सिकंदर ने अचानक से मिथुन से सवाल किया कि क्या उन्हें कार चलानी आती है। मिथुन तब ठीक से कार भी नहीं चला पाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके हाथ से फिल्म ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने सिकंदर खन्ना से हाँ कह दिया। आपको बता दें कि वो मिथुन का फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआती दौरा था। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती उस समय बॉलीवुड में अपने शुरुआती दौर से गुजर रहे थे। मिथुन की हाँ करने के बाद ये सीन शूट हुआ जिसमें मिथुन को कार चलानी थी और उसे लाकर ऋषि कपूर के पास रोकना था और ऋषि को उसमें बैठना था। सीन की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन मिथुन ऋषि के पास कार नहीं रोक सके क्योंकि वो ठीक से कार चला ही नहीं पाते थे। उन्होंने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया और इस वजह से ऋषि कपूर का मुंह कार के बोनट से टकरा गया। इस हादसे में ऋषि के मुंह से खून बहने लग गया था, लेकिन उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। मिथुन की ये गलती काफ़ी भारी पड़ सकती थी। बाद में मिथुन ने अपनी गलती के लिए डायरेक्टर सिकंदर खन्ना से माफ़ी मांगी थी और उनसे साफ साफ कहा कि उन्हें ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे मिथुन दा की इस गलती के बारे में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।